हाँ बोलो। जीजू अपने प्रणीता माँ बाप को बिना बताए शादी करना चाहती है। माँ बाप को पता चले बिना ये ऐसे कैसे शादी कर सकती है? मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ। अरे वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ जाके थोड़ी देर रुकते हैं। अरे भार्गव, कभी भी नहीं देखा, कौन है लोग? पार्क काले नहीं है क्या? मंदिर में आके बैठे हैं। अपने परिवार से कोई कीमती नहीं है, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? वो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं ना? मुझे भूल जाओ गीता। उतना आसान नहीं है भूल जाना। हमेशा तुम कहती हो ना गीता, उनके बराबर हमको इस दुनिया में कोई प्यार नहीं दे सकते। मैं जो जाप कर रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, उनके कारण से ही उनका ऋण कैसा चुका पाऊंगा? अब तुम्हारा वक्त आया है गीता, फिर भी वो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे ना, तुम खुश रहोगी ना? बहुत अच्छा समझाया बेटा। बेटी तुम भी उसके बात सुनो ना, सबका भला होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर, एक बार हमारी तरफ से भी सोचिए ना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो बेटी। बोलिए सर। एक नेत्रहीन लड़की बचपन से एक आश्रम में पली बड़ी। उन आश्रम वालों ने उसका पालन पोषण देखा, उसे अच्छी तरह पढ़ाया, उसको अच्छी नौकरी मिली, अपने पैरों पर वो खुद खड़ी हो पाई, जो दुनिया को देख नहीं सकती है। दुनिया दिखाने वाला लड़का से शादी करवाने के लिए आश्रम वाले चाहते थे, लेकिन वो लड़की ने उनका निर्णय नहीं माना, क्योंकि वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसी के तरह अंधे लड़के से प्यार किया। अभी बताओ बेटी, किसका निर्णय सही है? वो लड़की आश्रम में क्यों है? उसके माता पिता नहीं है क्या? मैं कुछ बताऊं सर, लड़की है, ऊपर से वो देख नहीं सकती, आश्रम में छोड़ के उसका बोझ उतार लिया। जो माँ बाप को पसंद नहीं, वो लड़के को कैसे पसंद होगा? उनको पसंद आया, क्यों मैं बताऊं सर? उस लड़की को अच्छा जॉब है, अच्छा सा तनख्वाह मिल रहा है, वो लड़का कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो देख नहीं सकती ना। उस लड़की को दुनिया दिखाने वाला चाहिए या हाथ थाम के चलने वाला चाहिए? आप ही बोलिए सर, उस लड़की को क्या निर्णय लेना है? आपने जो बोला वो सही है सर, वो लड़की उनके लिए कितना भी करो वो कम है सर, मगर लड़की जिससे प्यार करती है उसके बारे में भी सोचिए ना। जो उस लड़की को अपनी जिंदगी मानता है उसका हाल क्या होगा सर? उस लड़की के बिना रह पाएगा या जी पाएगा? वरुण, 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 उस लड़की को दुनिया दिखाने वाला चाहिए या हाथ थाम के चलने वाला चाहिए? आप ही बोलिए सर, उस लड़की को क्या निर्णय लेना है? हम जो सोच रहे हैं ठीक नहीं है, एक बार उनके तरफ से भी सोचेंगे। हर एक लड़की चाहती है कि जिंदगी भर उसका हाथ थाम कर चलने वाला चाहिए।